अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु आहियां आहियां मेज़बान मेराज हबीब। मुख़ालिफ़ धुर हिकु भेरो ॿीहर हुकूमत खे घर भेड़ो करण लाइ कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं आहिनि। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी मॉडल टाउन लाहौर पहुता, जिते मरियम नवाज़ ऐं शहबाज़ शरीफ़ सां मुलाकात थी, जंहिं बाद बेतमादी रिथारण ते बि इतफ़ाक़ कयो वियो आहे। उन बाबति नून लीग कुझु वक़्तु घुरियो आहे। उन ई सिलसिले में काफ़ लीग जे अॻवाननि सां बि अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी जी मुलाक़ात थियल आहे। हिन वक़्तु मुख़ालिफ़ धुर हुकूमत ख़िलाफ़ बेतमादी रिथारण जूं कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं आहिनि, जंहिं बाबति पीपल्स पार्टी हिकु साल खां चवंदी अचे पई त बेतमादी रिथ वसीले ई हुकूमत खे घर मोकिले सघिजे थो। जिते हिकु पासे हुकूमत परफॉर्मेंस जे हवाले सां नाकाम तरीन साबित थी आहे, त उते ई मुख़ालिफ़ धुर बि हुकूमत जो कुझु बिगाड़े नाहे सघे। पीपल्स पार्टी 27 फरवरी ते इस्लामाबाद तरफ लॉन्ग मार्च करण जो ऐलान कयो आहे, जॾहिं त पीटीएम 23 मार्च ते इस्लामाबाद वञण जो चई चुकी आहे। पर इन मामले खां अॻु अॼु सेनेट में बि हुकूमत ते बेतमादी जो इज़हार कयो वियो आहे। हिन वक़्त ताईं जेके ख़बरूं अचनि पियूं त सेनेट चेयरमैन खां बेतमादी रिथ जी शुरूआत थी सघे थी। कुझु ॾींहं अॻु ई जॾहिं सेनेट में स्टेट बैंक बाबति बिल आंदो वियो, त उन वक़्तु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक रखंदड़ सेनेट जो अपोज़िशन लीडर पाण ई असेंबली में मौजूदु न हो, जंहिं ते तनक़ीद थी। उन तनक़ीद खां पोइ यूसुफ रज़ा गिलानी पारां इस्तीफ़ा ॾिनी वई, जेका बिलावल भुट्टो ज़रदारी मंज़ूरु न कई हुई। उनखां अॻु जॾहिं पीपल्स पार्टी पारां इहो चयो वियो त बेतमादी रिथ ज़रिए हुकूमत खे घर मोकिले सघिजे थो, त उन वक़्तु पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी खे क़ौमी असेंबली मां उतां चूंडाइण में कामयाबु पिणु रही। जॾहिं त उन बाद जॾहिं सूरत हाल तब्दील थी, त अपोज़िशन वटि वधीक मेंबर हूंदे बि सादिक संजाणी खे कामयाबु कराइण में बि पीपल्स पार्टी पंहिंजो भरपूर किरदारु अदा कयो, जेका मजमूई तौर ते 3-4 सालनि दौरान पार्लियामेंट अंदरि बेतमादी रिथ वारे मामले ते या जेको तादादु आहे उहो वधीक हुअण बावजूद बि अपोज़िशन खे नाकाम जे मामले ते पीपल्स पार्टी हमेशह उन्हनि धुरियुनि जो साथ ॾिनो आहे जेके हुकूमत सां गॾु बीठल आहिनि। छा हिन भेरे जेका कोशिशि थींदी उन में पीपल्स पार्टी जेका ॻाल्हि करे पई उन में अपोज़िशन साथ ॾींदी, नून लीग साथ ॾींदी, ऐं अगरि साथ ॾींदी त उनखां पोइ छा आख़िरी साल दौरान हुकूमत खे घर मोकिलण जेका हिन वक़्तु कोशिश थिए पई मुख़ालिफ़ धुर जी, उन में का संजीदगी बि आहे, या हीअ हिकु भेरो ॿीहर जेके ईंदड़ चूंडूं आहिनि लोकल गवर्नमेंट जूं उन्हनि तयारियुनि जो सिलसिलो अपोज़िशन पारां शुरू कयो वियो आहे। इन मामले बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु ऑनलाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर साफ़ी ऐं तजनगार एजाज़ महर साहब। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एजाज़ साहब, वॾी महिरबानी प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। ॿुधाइजो, ज़ाहिर आहे जेका हीअ शुरूआति असांखे हिकु भेरो ॿीहर अपोज़िशन तरफ़ां नज़र अचे पई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जे हवाले सां, ख़ासि तौर ते जेका ज़ाहिर आहे पीपल्स पार्टी जी राय पीडीएम में शामिलु हूंदे ई हुई, छा मां सम्झो पिया त पीपल्स पार्टी जो इन में नून लीग ऐं ॿियूं जेके अपोज़िशन जूं पार्टियूं आहिनि उहे साथ ॾींदियूं? बिल्कुल, मां सम्झा थो त जॾहिं तव्हांखे यादि हूंदो त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कामयाबु थियो सेनेट में मेंबर तौर ते क़ौमी असेंबली इस्लामाबाद में, त उन महिल खां पोइ जेको चेयरमैन सेनेट जे हवाले सां मामिलो आयो त सादिक संजराणी अक्सरियत न हुजण जे बावजूद बि चेयरमैन थी वियो, त उन वाके खां पोइ नून लीग ऐं पीपल्स पार्टीअ में मिसट्रस्ट पैदा थियो, ऐं उन मिसट्रस्ट खे ख़तमु करण जे लाइ विच में कोशिशूं थींदी रहियूं दरपरदा ऐं ओपनली बि, पर उन में नून लीग इहो मैक्श्योर पई करणु चाहे त नेक्स्ट जेको बि हू स्टेप वठनि अदम एतमाद जे हवाले सां, त हू पीपल्स पार्टीअ ते 100% रिलाए न कनि ऐं पंहिंजी एक्सरसाइज बि कनि ऐं नंबर गेम जेका आहे उहा पूरी हुजे ऐं जेको उन्हनि खे पंहिंजे हवाले सां ख़ातिरी हुजे, त उहो वक़्तु मां सम्झा थो त हाणे अची वियो आहे। ऐं इहो ई सबबु आहे त पीडीएम जे प्लेटफॉर्म तां जॾहिं इहा शइ रखी त मौलाना फज़ल रहमान हिकिड़े पासे रखी ऐं नून लीग जेको आहे उहो पीपल्स पार्टी सां इन मामले ते मुतफ़िक़ थी वई आहे, त उन मां लॻे थो त नून लीग खे बिल्कुलु जेका पंहिंजी एक्सरसाइज़ आहे होमवर्क आहे उहो बिल्कुलु पको लॻे थो ऐं हुननि खे यकीन आहे त हू नो कॉन्फिडेंस जी जेका बि मूव कंदा त उहा कामयाबु थी सघे थी। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त उन में ॿ टे आहिनि मरला, त अञा इहो तय थियणु बाक़ी आहे त पंजाब में वञिजे अॻु में स्पीकर जे ख़िलाफ़ु कजे या चेयरमैन सेनेट जे ख़िलाफ़ु कजे या डायरेक्ट वज़ीर आज़म जे ख़िलाफ़ु कजे, त इहो मामिलो जेको आहे उहो हिन में ज़ाहिर जेका अवां सूरत हाल ॿुधायो पिया ऐं ज़ाहिर जेका असां ॾिठोसीं
पीपल्स पार्टी ते जॾहिं इन बाबति ज़ोर विधो वियो त तव्हां कीअं नंबर पूरा कंदो, पोइ असां ॾिठोसीं गिलानी साहिब जी कामयाबी बि थी ऐं उन बाद अपोज़िशन वटि नंबर वधीक हुअण बावजूद बि सेनेट में चेयरमैन कहिड़े तरीक़े सां सादिक संजाणी कामयाबु थियो, हुन में पीपल्स पार्टी कीअं साथ ॾिनो उहो बि असांजे साम्हूं आहे। ताज़ो ई जॾहिं स्टेट बैंक जे बिल वारो मामिलो आयो त उन वक़्तु बि असां ॾिठोसीं त कहिड़े तरीक़े सां अपोज़िशन लीडर पाण ई शरीक न थियो। त छा मां सम्झो पिया त जेको पीपल्स पार्टी मिसट्रस्ट ॾेखारियो आहे या जंहिंजो ज़िक्र बार बार नून लीग करे पई, त उन ते हाणे अपोज़िशन जूं पार्टियूं एतमाद कंदियूं इन मामले ते? छो त 2017 खां वठी जॾहिं खां सादिक संजाणी खे उन वक़्तु नून लीग जे दौर में बि चेयरमैन कयो वियो, त उन वक़्त खां वठी पीपल्स पार्टी इन तरह जी रांदि खेॾंदी आई आहे असेंबलियुनि अंदरि। बिल्कुलु, उहो मां सम्झां थो त हाणे पीपल्स पार्टी जे लाइ बि ॾुखियो थी पवंदो त जेकॾहिं हू नथा बीहनि पिया ऐं वरी अहिड़े क़िस्म जी का शइ थिए थी पई जंहिंमें पीपल्स पार्टी ॾोही करार ॾिनी वई, त उन सूरत में पोइ नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी या अपोज़िशन जो जेको आहे न उहो गॾिजण नामुमकिन हूंदो। त पीपल्स पार्टी वटि बि हाणे गुंजाइश कोन्हे त को हू सियासी शोभदाबाज़ी करे। सो बहरहाल वरी पाकिस्तान जी सियासत आहे, उहो सियासत अहिड़नि अमलनि ऐं कदमनि जे करे ई त सियासत जो जेको आहे त ॿियो नालो धोखो पइजी वियो आहे। त उहो अहिड़े क़िस्म जी जेके सियासी हिरफतूं आहिनि जेकॾहिं हाणे पीपल्स पार्टी करे थी त एक्सपोज थींदी ऐं उनखां पोइ सिंगल आउट बि थी वेंदी। अच्छा सर, इन में इहो बि ॿुधाइजो, ज़ाहिरा जीअं मां माज़ी जो ज़िक्र कयो त उनमें हिकु सिधो सो असांखे एस्टेब्लिशमेंट जो किरदारु बि नज़र आयो। छा मां सम्झो पिया त हिन वक़्तु अगरि अहिड़ी कोशिश अपोज़िशन पारां थींदी त उनमें एस्टेब्लिशमेंट जो को बि अमल दख़ल न हूंदो, ऐं उन सां गॾो गॾु इहो बि ॿुधाइजो त छा वाक़ई जेका बि सूरत हाल नज़र अचे पई उहा उन तरफ़ वञे पई? 27 फेबरवरी ते पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद तरफ़ निकिरे पई मार्च लाइ, 23 मार्च ते PDM जो बि ऐलान थियल आहे इस्लामाबाद तरफ़ अचण जो, त छा वाक़ई जेके हाणे संजीदगी आहे अपोज़िशन जे पार्टियुनि में आख़िरी साल में, या मां सम्झो पिया त इहो मामिलो सियासी बयानबाज़ियुनि जी हद ताईं इलेक्शन कंपेनिंग ताईं रहंदो ऐं उहो असांखे नज़र ईंदो? मां सम्झां थो त इन जी पॉसिबिलिटी ज़रूरु मौजूदु आहे ऐं उहो मेच्योर बि थी सघे थो पियो, छो त जंहिं तरीक़े सां शयूं हाणे डस्ट सेटल डाउन थिए पई त उन मां त ईअं लॻे पियो त नो कॉन्फिडेंस जेको आहे उहो तमामु जल्द ईंदो। उहो मां सम्झां थो मता हफ़्तनि जी ॻाल्हि हूंदी ऐं 23 मार्च त इलाही परे आहे ऐं 27 फेबरवरी वारो जेको बिलावल साहब जो मार्च आहे त उन में बि अञा 20 ॾींहं पिया आहिनि ऐं 20 ॾींहं वॾो अरसो हूंदो आहे पाकिस्तान जहिड़नि मुल्कनि में कंहिं बि सियासी या उन हवाले सां तब्दीली जे लाइ। त बसि थी सघे थो त हीउ थोरो मोमेंटम ठाहे ऐं उन खां पोइ जेको आहे मे बी मार्च में जेको आहे का अहिड़ी शइ थिए या मुमकिन आहे त उनखां अॻु में बि पॉसिबल आहे। त नो कॉन्फिडेंस जे हवाले सां शयूं बिल्कुलु उन तरफ़, इन जे करे अपोज़िशन जी ॿिन्ही वॾियुनि जमातुनि ते यकीन आहे त जेका इमरान ख़ान साहब खे मुख़्तलिफ़ इदारनि जे तरफ़ां शयूं अॻु में मैनेज करे ॾिनियूं पियूं वञनि त हाणे उन में घटि में घटि हू थोरो पोइ ते हटियान अण घुरियानि, हर को चए थो त जेके सियासी मामला आहिनि उहे वञी तव्हां पाण संभालियो ऐं पाण हैंडल कयो। त उहो जेको हिकिड़ो एलिमेंट आहे उनखे नज़र में रखंदे ही होपफुल आहिनि अपोज़िशन जूं ॿई पार्टियूं त जेकॾहिं हू गैर जानबदार रहनि था त उन सूरत में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब थी वेंदो। एजा साहिब, छा अपोज़िशन जी का अहिड़ी कोशिश थिए थी ज़ाहिरा जंहिंसां हुकूमत हली थी वञे या इवन इमरान ख़ान, त छा सम्झो पिया त इहो सियासी तौर ते वधीक फ़ाइदो इन जो बि PTI खे ई पवंदो ज़ाहिरी तौर ते? न, PTI जेको आहे न एतिरो डिस्क्रेडिट थी चुकी आहे हिननि टिनि सालनि में त जेके बि उन्हनि वाइदा कया उहे सभु ग़लति साबित थिया ऐं जेको बि हुननि मामलनि ते सभिनी ते को पब्लिक खे रिलीफ न मिलियो ऐं ॾींहों ॾींहुं जेके टैक्सिस वधियूं आहिनि, जहिड़े तरीक़े सां महांगाई वधी आहे त हर माण्हू बेज़ार आहे। इवन ख़ुदि जेके PTI जा सपोर्टर आहिनि उहे बि जेको आहे त परेशान आहिनि। त अहिड़े माहौल में PTI जे लाइ मां नथो सम्झां त पोइ उन्हनि खे हिन शइ जे करे सिंपथी थींदी। पर उन में हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि थी सघे थी त इमरान ख़ान साहब जे पंहिंजी अहलियत जे हवाले सां वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस खां हिकु ॾींहुं पोइ या हिकु ॾींहुं अॻु में को अहिड़ो डिसीशन बि अची वञे त उन नतीजे में ईअं थींदो त उन्हनि जे पार्टी मां कंहिं माण्हू खे अॻिते अचण जी कोशिशि करे, परवेज कटक आहे, असद उमर आहे,
या बो मू उनकी हुकूमत जो कंटिन्यू कराई वही ठीक है। वही मेहरबानी अवां जी एजाज महर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए जब इन वक्त सियासी तौर से सूरत हाल नजर अची रही है उनमें वाजु तौर से एक बार बीहर कोशिश थे पी अपोजिशन पारा हुकूमत के लिए दुखियाँ पैदा करण की उन बाबत तेजी असके गुजरल कुछ डी दौरान नजर आई है पर एक बार बीहर यो दिसण की जरूरत है तो वाकई अपोजिशन कोशिश कंदी या सिर्फ ही सियासी बयानबाजन तई ज़ाहिर जो ईंदड़ साल है वो इलेक्शन जो है इलेक्शन कंपेन तई एहतजाज मार्च बयानबाजियों ही रहंद इन अलावा पा प्रोग्राम जिक्र कदास इतने वक्त एक ब्रेक जो असा प्रोग्राम में एक भेरों बीहर भलीकार सती आदमशुमारी लाए वफाक पारा कोशिशों तेज कई व्यन जैसी शुरुआत एम के में पीटीआई पारा कई वही हुई जैसे पीपल्स पार्टी भी राजपो डेखारियों गडियल मफादन वाली काउंसिल की मंजूरी बाद सती आदमशुमारी डिसंबर में कराने जो फैसलो किया वो है। गुजल महीने अली मोहम्मद खान सेनेट में यो बुधायो तो सती आदमशुमारी लाए सब का शिकायतों कराची में अची रही हुई जै बाबत सिंध हुकूमत की दरख्वास्त से इन साल डिसंबर में आदमगणप करण जो फैसलो किया वो है। अली मोहम्मद खान सेनेट के यो पिण बुधायो तो इन आदमशुमारी लाए बजेट भी रखी वही है जै बाबत इन वक्त ताई घरन जी गणप जो जो सिलसिलो है वो 15 मई का 15 जून ताई कयो वेंदो जडे ता आदमशुमारी जेका वाए वो मुकम्मल कई वेंदी इन साल ही 2022 में। आदमशुमारी जेका शुरू का वठी एतराजन जे वरचण लाए जेका आदमशुमारी 10 सालन बाद थण घुर्जे वो 5 सालन बाद किए थी सके सब का वधिक वो एतराज इन वक्त सामू अची रो है तो कि अड़े हसास मामले ते टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल किया वो जैके आसानी से हैक या नंबर की फेरफार भी कर सकते थी अड़ा केतरा ही मिसाल पाकिस्तान अंदर मिलन था खास तौर से 2018 जो चूडू जै बाबत कमेटी पिण जोड़ी वही है हाँ जो गणप बाबत फॉर्म सामू आयो है उन केतरा ही खदशा पैदा थी रहा जैसे पेरे खाने से शनाख्ती कार्ड वो शर्त खत्म करण जो फैसलो किया वो है। उनका अलावा 6 महीन का घट बहर रहदड़ घरभातियों के भी गणन जो फैसलो किया वो है मतलब तो हाँ सुणप कार्ड न होजन सबब पुछाणो न कह वो उन गो गड अगर सुणप कार्ड न हों तो जाहरी तौर से केर मू भी किथे भी पान के गणाए सके तो उन गो ग एक मू पान के बेरा भी गणाए आसानी से गणाए सके तो छो तो इन भेरे जो शनाख्ती कार्ड है वो कढ़ वो है जैसा आसानी से बेन सूबन जहा रहायशी तोड़े गैर मुल्की भी इतना जो गणाए सकन था सब का पनागीर इन वक्त भी सिंध में रहन था। कराची में वो तादाद पनागीरों जो अगी रहे तो जो सालन का इतने मौजूद आज जै बाबत FIA चई चुकी है तो 10 साल दौरान 40 लख गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड ठाया वह न सिर्फ एतरो पर कराची अंदर वे तादाद में सालन का पनागीर पिण रहन था जिनके इतान जहाँ कार्ड ठाया दिना वह पर पनागीर बाबत आलमी इदारे की मौजूद डेटा शीट मूजिब सजे मुल्क में सब का घट अफगानी पनागीर सिंध में रहन था जै मूजिब सिंध सूबे में सिर्फ 66,022 पनागीर मौजूद हैं मतलब तो बेन सूबन में पनागीर की रजिस्ट्रेशन कर भी उनके सिंध में आबाद किया वो है जहाँ लिस्ट स्क्रीन पर ऐसी रहा है उन मूजिब सिंध में सिर्फ 66,022 पनागीर ही मौजूद हैं जो अफगानिस्तान में आया उन अलावा सिंध में गुजर केतर अरसे सूरत हाल नजर अचे थी उन दौरान यो वाज तौर से दिखो वो है तो केतर ही सूबन तोड़े बेन मुल्क मू भी अची रहन था इतान जहाँ शनाख्ती कार्ड उन पारा ठाराया वह एतरी कमजोर शर्तू जो आदमशुमारी में रखी व्यू आज उन यो जाहिर थे तो सिंध की डेमोग्राफी के इन वक्त खतरो मौजूद है उन खतरे जो इजहार सिंध जहाँ सायावंद मुसलसल कर रहा है इन वक्त जो कराची अंदर लसानी सियासत थी रही है उनमें भी नशे जो अंदाजो लगे सकते तो आखिर सिंध की राजधानी कराची लाए कड़ी कोशिशों थी रही हैं इन सजे मामले से जिते बी दूर असके खास तौर से MQA में PTI नजर अचन थी तो उत पीपल्स पार्टी भी इन भेरे साथ दई रही है। सिंध खिलाफ गुजर केतरे अरसे का जो साजिशों थी रही हैं उनमें हि भी एक वही साजिश वाज तौर से नजर अची रही है जैसी 12 मेंबर से बदल रुकड़ी पारा फॉर्म की मंजूरी दिनी वही है वो फॉर्म जो सामू आयो है उनमें ही एतराज सामू अचन था इन सजे मामले बाबत पा प्रोग्राम में ऐसी वक्त फोनलाइन से जॉइन किया है नामेरा तजनगार मोहतरम जनाब नसीर मेमन साहब साहब साई असलामकुम
रसी साहब वड़ी मेहरबानी प्रोग्राम में ज्वाइन करने लाए बुधाए जो जाहिर एक पासे तो असके यो वाजो तौर से नजर अचे पो जो 10 साल गणपतियणी हुई उन एतराज़ वारा व्या उनकी शुरुआत कराची का ही थी एम क्यू एम का उन बाद उनमें पीटीआई साथ दिनो पीपल्स पार्टी भी गजी वही गुजरियल साल सीसीआई के इजलास बाद यो फैसलो कियो तो इन साल ही यो प्रोसेस मुकम्मल करो है ईंदड़ चूंडू भी इन ही प्रोसेस तहत थन्द अब कें पे ऐसो जो हि सूरत हाल नजर अचे पी खास तौर से जो फॉर्म सामू आयो है उन बाबत पंजे मामूल का हटी कर बारे में शक शुबा सवाल उठन फितरी गाल एबनॉर्मल शी शे आईन में लिखल आशक 10 साल थी पंजे साल पी थे सो पे इन में अंदाजो किया आखिर अड़ी कड़ी सूरत हाल आज वो खास तौर से 5 साल बीहर कराए पे वे आईन में तमीम कन थी गाली जमायत के एतराज से थे पी बदकिस्मती से उनके सिंध गवर्नमेंट भी अकल इंडोर्स कर तो यो स्टैम्प थो तो सूबे की हुकूमत इनके पुठियां है मुकालबो उनको तो सीसीआई में फैसलो कर जमायत चवण जो को उत उन सूबे की हुकूमत के स्टैंड के बुनियाद से थो सो पीपुल्स पार्टी इनमें बाकायदे जरूरत थी जो मुझे ख्याल में उनके नकल घुर्स हाँ पीपुल्स पार्टी के जो अगवाण उनको ख्याल आसान गणप घटती है तेज कर गणप सही थी तो असें एनएफसी में असो हिस्सो वो ठीक है एनएफसी में हिस्सो वे इन कोई एतराज को सुी गाल सिंध के जायज हिस्सो मिले या बी गाल एनएफसी जो हिस्सो हुए ही तरह टैक्स की कलेक्शन ठीक नी हुए तक पुठे साल सिंध हुकूमत पा दा पे कई तो 200 भराए केतरा घट दिना हिंसर जीएसटी खत्म कर आसे आसे पेट्रोलियम से उनमें लेवीज लगाइंदा था वन लेवी सीधो सौ वफाक हुकूमत खड़ी है तो साल 400 रुपये की लेवी जो प्लान है तो अंदाजो करो तो इन में 320-230 अरब रुपया सूबन में वन घुर्जन एनएफसी के हिसाब से उनको जो 24-25 सैकड़ों सिंध के मिले तो माना 50-60 अरब छाना वो तीधो सौ वा हलिया तो पैसा तो इंदा दींदा इं भला जो अचन था उतो अवाम के फायद दियन था केतो मिसयूज था वन चैनी सूब में मसला बन सो मुझे नजर में पैसो एडो हसास मसलो को डेमोग्राफी हसास मसलो है पुठी जहां आजमगणप थी उनमें जो अंग कराया उनमें कराची में जो एम क्यू एम को एतराज देने वह बेसिकली जो बोली के बुनियाद से डेमोग्राफी अंग कराया उनमें सिंधी गाल आबादी जो 98 में 7 सैकड़ों हुई शहर में वही 10 सैकड़ों लगभग थी पहले तो 8-7 कान उन थोड़ी घट हुई उर्दू गाल आबादी जो 48 सैकड़ों हुई लगभग 41-42 सैकड़ों तक पहुंची उनके गणती है पर हाँ उनका मुख उनके पुठे प्लान तो नजर अचे वो प्लान यो तो नजर अचे तो जर ते कराची में कें भी तरह से आजमगढ़ में मूँ देखार 50-60 लख वाए छो या करोड़ वाए छो तो उन हिसाब से कराची शहर जो सीटू वन कराची शहर की सीटू वन खराब को पर कराची में जो तकबंदी थे थी जो सीटों में इलेक्शन में वोटन में एक मेन्यूवरिंग थे थी रिफ्लेक्शन थे थी वो तो असं 30 साल का ऐसा पे अच्छा तो उनके नतीजे में थे तो उसे पीटीआई डीडीए या टे जमायतू पान से अलायंस करो वो अंग जर सीटों जो कटी अचन तो बाकी सजी सिंध जो सीटू थी एक पास का एकड़ी पार्टी बाकी सिंध में एतरू सीटू शायद खान मुश्किल हो जो अकेले से हुकूमत है तो या तो ब्लैकमेल थे या बार्गेन करे या बू दिलू गजी हुकूमत टाइ वन मुशरफ के तौर में योड़ो रिस्क तो बुझा यो मुमकिन है इनके तुम रूल आउट न कर सको छो तो सीसीआई में उसे थो तो इन आजमगढ़ के बुनियाद से इंदड़ साल सीटों तो उन्हें थी तो हि बुनियादी मसलो सीटों जो आ बुनियादी मसलो बो जो मुख्य कंसर्न जो फॉर्म आयो उनमें शनाख्ती कार्ड जो जिक्र को सुप कार्ड जो जो एडवाइजरी कमेटी ठाई ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के पारा उनमें 12 मेंबर उनके रिकमेंडेशन दिनों तो उनमें सिंधी गाल मेंबर को हो उनके रिकमेंडेशन में चलो तो सजी एक्सरसाइज के तुम शनाख्ती कार्ड का भी अलग कर नादरा के वेरिफिकेशन क्रॉस चेक का भी अलग कर हाँ मुझे बुधा जर तरफ को फॉर्म खड़ी तुम 15 बाकी लिखाए छो वेरीफाई उनमें चल जो मूल घर जो बाकी 6 महीनों का घट अर्से बहर भी हला तो वो कराए सको तुम चो असा 6 जणा इतने वेठा छह बाकी असाया दुबई में कम कर पाकिस्तान में नौकरी कह थोड़ो मजदूरी कर फलाना के मीरपुर खास में अंबन के पाल से ड्यूटी कर वे 3 महीनों में मोटी खजूर जो फसल लतो कैंपुर बोलाया 3 महीनों में मोटी
छह महीना फोन रहा था तहां का केर भी वेरीफाई को तो कर सके जो सिस्टम ही कोने तो नतीजे में तहां वरी 12 बाती लिखराए छ एक पासे बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त पे चो जरा इन वक्त एतराज वाज तौर पर उथे पो पान के सूरत हाल के दसों नाजरीन के सामू जी डेटा में रखी है पनागीर बाबत ही उनमें सिर्फ बुधाए पे वे तो सिंध में जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनते जो अंग अखर मौजूद है उन मूजिब तो सिंध में सिर्फ अफगान में पनागीर तादाद 66,022 है ज़ाहिर आप जो असा ग्राउंड से सूरत हाल नजर अचे थी सिर्फ एफ आई ए चवे थी तो 40 लख के लगभग जो शनाख्ती कार्ड आन उठाया वह गैर कानूनी तौर ठाया वह ज़ाहिर कराची बदमनी केस के भी असूँ तो उनमें भी यो है तो जे पनागीर अचन था उन्होंने कर बदमनी भी थे थी शहर में मंशियात समेत बया मामला भी थियन था यो एक डिघो मामलो है जो रो है खास तौर से सिंध की राजधानी कराची के हवाले से एक पास ये कंसर्न जिनो जाहरी तौर से इजहार कर बे पास जन वक्त गाल थे पी डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए जी हि गणप है उ कराई वेंदी अवा छा पा समझो जिते जाहरा जे एम के एम वारा जिनके उ एतराज उनको बीठल है 42% तो समझो पा तो हि जी आदमशुमारी होंगी उनमें के बुँ धुरू फायद वी सन थी उन कोशिश इन वक्त थियन पीधो सौ खदशा बुधा पे स्ट्रक्चर सिस्टम के अंदर साफ नजर पे अचन दुर कड़ी फायदो वी कि वो तो हर को मानू जो पंजो अंदाजो लगी सके तो सीधो सो सवाल सिंपल तो क्या तो जन सुप कार्ड उनकी तस्दीक जो सिस्टम मौजूद को शहर में इन घट अर्से बाहर वेल भाती गणाए सके तो मुख्य बुधा तो मैं 15 भाती लिखा छा तो कें वेरीफाई कह तो ये भाती 15 आन या ना मुख्य तो सादे सवाल की जवाब की गोला में या तो सवाल तो क्या तुम गुलिस्तान जोहर में रहो था सुबह जो 9-10 बजे तुम्हारी इन्यूमिनेशन थी तुम पे गाड़ी में या मोटरसाइकिल से या बाइक या कें केब से चढ़ी कलाक अंदर गुलशन इकबाल में वही वही बे घर में बीहर पान के गणाए छो तुम्हारे कार्ड लिखे भी को खबर पवी अफगानिस्तान में आयो मुझे घट में 10 भाती तुम्हारे कार्ड आए को लिखाए तो छा पाकिस्तानी कें वेरीफाई थी तो पाकिस्तानी आया न तो यो सजो जो तरीकेकार यो सीरियसली सिंध की डेमोग्राफी के अलाय शाम का कर सके तो क्या खबर ना तो सुंदर कड़ा निकलंदा एक भेरों जो केर सुने अंगेकर करिए चिटा कराची में 3 करोड़ आबादी है मिसाल तो क्या हुकूमत ला आसान हों तो उनकी गिरवत करे हुकूमत ला आसान हों तो उन्हें नो करे हिंसर म्यूनसिपल से कानून था आन बिन धरण का कानून का विद्रासी था वन तर में आदमशुमारी के रिजिस्टेंट करा प्रेशर के हि तो हुकूमत जो मामलो है सूबा हुकूमत दी वी बयान जारी कर खत लिखी छी तो आदमशुमारी के गणती है खेर भी वो बेटा बाफा की हुकूमत के गठबंध चलाइंदा उ असा भाई तुम मसलो तो खराब थी वो एक भेरो अंगकर बिगड़ी तो उनके करेक्ट कर सवलो आया तो मुख्य तो समझ में नो अचे तो इनके सजे प्रोसीजर के अंदर कंट्रोल्स किथे चेक्स किथे वो सिस्टम मुख्य फॉर्म आ तो नजर को अचे मुमकिन से हुकूमत के खबर हो उनके सिंधी आवाम की रहनमई कर घुर्जे बुधा घुर्जे तो यो सिस्टम क्या ठीक थो जो ट्रांसपेरेंटली जवाब कर सकें वही मेहरबानी अवाजी नसीर मेमन साहब प्रोग्राम में वक्त दियण के लिए जहरी तौर से जे इन वक्त खदशा नजर अचन पे उनका शुरुआत हुई उन वक्त का ही थी हुई जैसे एतराज वारिया वह हुआ जो कानूनी तौर से 10 साल आदमशुमारी थियण घुर्जे वह 5 साल करण जो फैसलो किया है पर जो फॉर्म इन वक्त सामू आयो है उनते सिंध के अवाम पारा शदीद एतराज वारिया वह उनमें वाजो तौर से जो खदशा उनको इजहार किया है शनाख्ती कार्ड न होने सबब उन खदशन के वजह वधन जो भी इम्कान पैदा थो है जाहरी तौर से अगर शनाख्ती कार्ड ही न हों तो को भी मू किथा जो भी लिखाए सके तो ही जो मामलो है डेमोग्राफी जो है पीपल्स पार्टी भी इनमें सजे मामले में साथारी बणल है उन खिलाफ सजी सिंध में इन वक्त बाजाबता तौर से न सिर्फ सभी साझावंदन के गड थियण की जरूरत है पर उन खिलाफ एक कंपेन हलण की भी जरूरत है जे जे लिकायल शन गुझू शूँ आन उ आवाम के सामू अची सन पा प्रोग्राम में जिक्र कहते वक्त है कि ब्रेक जो असा सा गड रहजो
प्रोग्राम में एक भेर बीहर भलीकार इन से पा जिक्र कंदी वजीर आजम इमरान खान के चैन डीन के चीन के दौरे के हवाले से जैमें वजीर आजम इमरान खान चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात पिण कई खिते के अमुन इस्तेहकाम तरक्की लाए गडियल कोशिशों जारी रखने भी इतफाक कह वह इन गड़ गुड अफगानिस्तान में इंसानी बुहरान के मुंह दिये आलमी बिरादरी से फौरी कदम जोर भरण से भी पाकिस्तान चीन में इतफाक थो है जैसे उनके अलावा वजीर आजम इमरान खान दौरे पहुंचने दौरान चीन के फॉरन के सेक्रेटरी पारा अजी कई वही जै बाद पे ढी वजीर आजम इमरान खान वजीर से गड विंटर ओलंपिक्स में शिरकत कई सूरत हाल रही उन वजीर आजम इमरान खान से तनकीद भी थी रही उनके अलावा वजीर आजम इमरान खान के चीन में होजन बावजूद वर्चुअल मीटिंग्स में भी शिरकत थी जैसे भी इमरान खान से तनकीद थी रही पर चीनी सदर शी जिनपिंग से आजियाणो दिनल हो उनका मुलाकात थी उनका वजीर आजम ऑफिस पारा उन बयान जारी किया उनमें यो वाज तौर पर बीजिंग में अजीम आवामी हाल में मुलाकात थी उन दौरान केतरा ही मामला जिन गुफ्तगु थी है यो फैसलो किया है अगते भी गजी पाकिस्तान चीन अगते वधंदो सीपेक जो जो बियो मरलो है उन में तेजी आने ते भी इतफाक थो है पाते गाले अस वक्त वीडियो लिंक जरिए जॉइन किया है आलमी मामले जो माहिर अगोड़ा सफारतकार मोहतरम जनाब डॉक्टर जमील अहमद खान साहब डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए सब का पे तो ये बुधा जो जहरा जो ही मुलाकात थी उनको गेस्चर सामू आयो है जहरा जैसे तनकीद भी एक पास का थे पी जो हुकूमत से लागापियल मूँ इन दौरे के वो कामयाब दौरों भी समझन पाया बे पास जी सुस्त रवी अस नजर आई है सीपेक के हवाले से अवं मजमू तौर पर इन दौरे के कि पो न मजमू तौर पर जी हाँ इन वक्त मंजरनामो लगो पो आ जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक इन रीजन में या ग्लोबली उन लिहाज से यो दौरो अहम भी कामयाब भी बाकी उनके अद भेटाओ नॉर्मल जी मल सी पैक ते सही कई से सदर जरदारी जी मल सी पैक ते साइन किया बाद सी पैक तक दौरा बटे दौरा शुरू थे नवाज शरीफ दौरा किया उन वक्त स्पीड तमाम वधी हुई बट भी विच में स्लो थी थोड़ी इन समझा तो बटे बयान अड़ा थे को हुकुम जी अमलदार हैं उ महसूस थे तो पो तो शुरुआत में पा कन्फ्यूज हुआ इन करे यो सुस्त वो पर खुदा खुदा करे फर्स्ट फेज तकरीबन मुकम्मल थी वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फेज आने सेकेंड फेज में जे लिहाज से दिठो वे जैमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो सिलसिलो जैमें मीटिंग प्राइम मिनिस्टर की नेशनल डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन मीटिंग जैमें गवादर से फोकस भी किया वो है सी पैक से फोकस किया वो है उतना जहाँ जी प्राइवेट इन्वेस्टर्स प्राइवेट इन्वेस्टर नाजरन के नॉलेज लाइ यो बुधा हल तो प्राइवेट इन्वेस्टर भी समझो सरकारी उन लिहाज से जी कंपनीज सरकार ओन्ड उन सरकार उनके ओन थी करे उनका बाद वो प्राइवेट तौर पर मू उन हलन था पा तो बहरहाल काफ़ी उनमें इन्वेस्टर अड़ा जी वो राजी थे हैं हाँ सेकेंड उन फेज में हिस्सों वा खास तौर पर जैमें उ टेक्नोलॉजीज जैमें जैमें ह्यूमन रिसोर्स इंटेंसिटी वधिक इन मतलब इकोनॉमिक जोन्स हैं उन्हें हाँ कम तेजी से शुरू थियण खपे गवादर से खास तौर पर उनमें जी बाकी कम रह फिलहाल तो फकत गवादर से 3.53 बिलियन डॉलर्स उ गवादर से उन रीप्रोसेसिंग पार्क लाए एलोकेट किया पर वो दैट्स अ पीनट उनका अलावा जी इन्वेस्टमेंट महसूस थे थी पी तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एग्रीकल्चर कैपेसिटी बिल्डिंग ह्यूमन रिसोर्स बिल्डिंग उनमें इन्वेस्टमेंट सुठी थी दी। पर इन मीटिंग जो एक अहम पहलू बो यो शुरुआत में चयम त जियो पोलिटिकल मैटर जैमें तड़े मिनट ला पुटिन की मीटिंग शीपिंग जी उन्हें थोड़ा तवजो दियार नंबर वन त उनको यूक्रेन से गाल बोल थी तो यूक्रेन के नैटो में न वन दीदासूँ आई नेटो के न खपे तो यूक्रेन के रूबरू पा डे वी वे जोड़ी उन अलावा
वन चाइना मतलब ताइवान चाइना जो हिस्सो आ पुटिन तो चवे शी पेंग चवे तो पो त यूक्रेन जो उनके नेटो में न दियण खपे इन हिसाब से जी जी उन स्ट्रेटेजिक नेचर जा जी प्रोजेक्ट्स गालियों जियोपोलिटिकल नेचर जी उन अमेरिका के बुधायण लाए या नेटो के बुधायण लाए यो बई जॉइंट कम्युनिके जॉइंट स्टेटमेंट दिनी उनन उनो मकसद यो ते उनन के जणाएं ते चीन हाणे रशिया सा बीठो दिसो चीन जको आ कने पांजा कार्ड 100% खोले सामो न रखंदो इन मामले में जरा वो यूक्रेन जे पस मंजर में असा के एक सूरतयाल वाज़ तौर ते नजर अचे पई जे जो आप जिक्र भी कयो पर डॉक्टर साहब जे पाण पाकिस्तान जी सूरतयाल के दिसो ज़ाहिर जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान जो दौरो हो चाइना जो उन वक्त जो बलूचिस्तान में जड़े तरीके से असा के सूरत हाल नजर आई उन ज़ाहिर खतरा खदशा एक भेर बीहर वी रहा उन अलावा जी अज सूरत हाल असा नजर आई है टी टी पी पारा हमलो किया वो है सूरत हाल असा के मुसलसल नजर अचे पई ज़ाहिर एक अफगानिस्तान जो पूरो जो मामलो है वो असें गिची में इन वक्त ताई है बाजाबता तौर पर वो नजर अचे पे पास का अमरीका जो मुकम्मल तकरीबन इतना हथ कढ़ी वो है इन सेंस में पाया समझो तो अवे नजर अचे पो इन फ्यूचर पाकिस्तान के घट में घट पाँच पॉलिसी वाजे करनी पवी त अफगानिस्तान के मामले ते अस बीठल कैसा आयो कैसा गड बीहण है खास तौर पर जो पॉलिसी रखनी है टी टी पी के हवा से या बेन मामलों के हवा से वह घट में घट क्लियर कट हो जाए हाँ पाकिस्तान के हाँ न भी चाहे पाकिस्तान ते जै हिसाब से पाकिस्तान की फॉरन पॉलिसी के जै डायरेक्शन में वने थी पई या वनो तो पे जै डायरेक्शन में उनसा महसूस थे तो पो तो जाहिर असी पॉलिसी वासे तौर ते चाइना रशिया हाँ 23 तारीख टेंटेटिवली इमरान खान रशिया तो वे यो सवाल किया उन सवाल के जवाब में ही मामलो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जो वे तो पो तो असो बैलेंस अस चूं पो बैलेंस वाली गाल हाँ अगत वही रही अस चाहूँ था पाया डिप्लोमेसी में बैलेंस रखना खपे सभी तालुकात रखना खपन पर गाल समझण वाली आ अमेरिका जो इन वक्त नंबर वन पॉलिसी मैटर यानी फॉरन पॉलिसी जो नंबर वन नुकतो नंबर वन यो आ चाइना के सगो कन चाइना के कंटेन कन चाइना के कंटेनमेंट लाइ जैसे तीन पाकिस्तान के वो प्रेशराइज न कंदा या पान से न मिलाइंदा तेसी तई चाइना के सगो कण खास तौर पर इन मामले में जो फ्लैगशिप सेगमेंट यानी टुकड़ो जो है बेल्ट एंड रोड जो वो टुकड़ो जैसे तई मुकम्मल नी तेसी तई चाइना के स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नी मिली सके जैसे तहत चाइना पान के सेफ फील करे सेफ कें लिहाज से फील करे 80% जो उनको माल वे तो पो खास तौर पर तेल गल्फ एरिया में वे तो पो स्टेट ऑफ मलाका एंड साउथ चाइना सी के थ्रू वे तो चाइना में वो 16,000 किलोमीटर आ जे गवादर वो मामलो जो तकरीबन ठही वो उनके ऑपरेशनल करणो आकेएच कराक्रम हाईवे जड़ी मल हू फुली 100% ऑपरेशनल हाँ भी तकरीबन 80% ऑपरेशनल है जड़ी मल ही बई ऑपरेशनल थी व्यू इन में ऑयल जो पाइपलाइन भी विछामजी वो तो उन बाद चाइना की जो खतरा जो समुंड में लंघण जहा जिथे अमेरिका बीठो आ बिल्कुल वात फाड़े अमेरिका बीठो आ हाँ उन ओकास अस्करी यानी मिलिट्री उन एग्रीमेंट कई आ इन वक्त ऑस्ट्रेलिया यूके एंड यूएस से न्यूक्लियर सबमरीन से हथियारबंद बीठो आ समुंड में तो उनको एडवांटेज घटी वो अमेरिका के इन गाल की खबर आ अमेरिका सोचे तो पो तो जी मथा 3-4-5 साल लगंदा इनके चाइना के टोटल सेफ थी वे समुंड का जमीनी रस्ते तहत पाकिस्तान के तहत वही चाइना पहुंचे तो उन पैरियां जो कम करो या हथ दिखारण दिखारे छे छो जो उन बाद हथा गाल निकरी वी अमेरिका जी चाइना जो स्ट्रेटेजिक जे लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आ सेफ थी पवी वही डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ज़ारा जो इन वक्त असर सूरत हाल नजर अचे पई जो डॉक्टर साहब जिक्र किया यूक्रेन के मामले ते एक भेरों बीहर असके अमेरिका रशिया सामू नजर अचन था बे पास रशिया ए चीन में वेझड़ाई भी नजर अचे पई उन गड़ो गड़ पाकिस्तान जो दौरो हो वजी
वजीर आजम इमरान खान जो इंतहाई अहम हो, जिन दौरान केतरन ही मामलों से गुफ्तगू भी थी है, केतरन ही मामलों से गजी हलन से इतफाक भी थोड़ा है। पाकिस्तान के पाँच पॉलिसी भी वाज करण की जरूरत है, आखिर वो कड़े पास से बीठल है। इसे प्रोग्राम जो अगत वाजी जानी तो मेजबान मेराज हबीब के इजाजत तलब है।